Like our videos and subscribe us for more updates. नमस्कार, पेशेंट के लिए कुछ सामान्य सूचना है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चर्म रोग और बालों का रोग, नाखून का रोग ठीक होने में समय लगता है, इसलिए मरीज को थोड़ा पेशेंस रखते हुए डॉक्टर के से दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि जो बताया गया समय है उस तक दवाई प्रॉपर मात्रा में लें। अगर बीच में अपन ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं तो बीमारी दोबारा होने की संभावना रहती है। अच्छे परिणाम के लिए दवा की, खाने पीने की और दूसरी सभी बताए गए इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरह से पालन कीजिएगा। जब भी दवाई के लिए वापस बुलाया जाए तब वापस दिखाइए। और कुछ बेसिक रूल्स है स्किन केयर के लिए, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे जिनके ऑयली स्किन है, पिंपल्स है, उनको फ्रिक्वेंट वॉशिंग सजेस्ट की जाती है। दिन में 2-3 बार फेस वॉश से वो चेहरा धोएं ताकि ऑयल या डर्ट या सीबम जो फेस पे जमा है वो हट जाए, उससे फुंसी और पिंपल्स जो है चेहरे पे ना हो। और ओल्ड एज में ड्राई स्किन जिन पेशेंट्स में होती है उनको ग्लिसरिन और गुलाब जल मिक्स कर इस ठंड के मौसम में लगाना चाहिए अच्छे से दिन में 2 बार, जिससे चमड़ी में जो खुश्की है वो दूर हो जाए। और उनको माइल्ड सोप यूज़ करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एल्कली सोप और एसिडिक सोप यूज़ नहीं करनी चाहिए, उससे चमड़ी में ड्राइनेस बढ़ने की संभावना रहती है। और किसी भी चीज़ से जैसे पत्थर हो, ब्रश हो, कॉइन हो, इससे अपनी चमड़ी को नहीं रगड़ना चाहिए, इससे चमड़ी डैमेज होने के डर रहता है और चमड़ी में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और अपने शरीर को साफ करने के लिए प्लेन सोप और प्लेन वाटर यूज करें, एक्सेसिव यूज ऑफ सोप साफ करने के लिए ना करें। डिटोल बिल्कुल भी अप्लाई ना करें अपने शरीर पर। और अदर एंटीसेप्टिक यूज जब तक डॉक्टर ने नहीं बताई है तब तक शरीर पे यूज़ नहीं करें, क्योंकि इनसे भी ड्राइनेस काफ़ी बढ़ जाती है। स्क्रैच नहीं करें, अगर इचिंग हो रही हो तो अपने शरीर पर आइस लगा लें ताकि क्या इचिंग में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सूदिंग इफेक्ट आएगा। कोई भी ऑइंटमेंट या लोशन बिना किसी मेडिकल एडवाइस के, डॉक्टर की एडवाइस के ना लगाएं, क्योंकि कुछ भी मेडिसिन चेहरे पे बॉडी पे लगाने से उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे जनरली ये देखा गया है चेहरे पर फीमेल्स बिना किसी एडवाइस के चेहरे पे कुछ ट्यूब्स लगाती हैं जो स्टेरॉयड की क्रीम होती है, उनसे चेहरे पर बाल आ जाते हैं, चेहरे पे फुंसी हो जाती है, चेहरे पे रोजेशिया रेडनेस हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर दिखाएं और उनसे संपर्क करके जो जैसे बताएं वैसा ही करें। धन्यवाद।